वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे पहला डाउट आता है स्टूडेंट्स के मामले में कि क्या करें अगर हमने मास्टर्स कर लिया कंप्लीट डिफेंस स्टडीज़ में, डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में, मिलिट्री साइंस में, या फिर सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमी में। अगर इन चीज़ों में हमने मास्टर्स कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसके बाद क्या करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर, और आप अगर आपने अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है या उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IDSA, यानी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ये है क्या, क्या प्रोग्राम है इसका, इंटर्नशिप का कैसे वर्क करता है, ये आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या है ये IDSA, कैसे हुआ, कब कब बना, क्या एम है इसका। तो जो IDSA है वो 1965 में बना था, सिक्योरिटी और पॉलिसीज़ को लेके एक थिंक टैंक है बेसिकली एक तरीके से, जहाँ पे कि मल्टीपल स्कॉलर्स का एक तरीके से घर है, ये स्कॉलर्स का घर है जहाँ पे जो रिसर्च होती है या एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है उन स्टूडेंट्स को, उन इनोवेटिव थिंकर्स को जो एक किसी भी सब्जेक्ट के एक वास्ट एरिया में, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे एरिया स्टडीज़ हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, एनर्जी हो, क्लाइमेट चेंज हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन सब की फील्ड में जो एक रिसर्च करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए IDSA एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये उन यूथ के लिए है, वो ये उन युवाओं के लिए है जो कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं IDSA प्रोग्राम, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो क्या है। तो ये बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिन्होंने अपनी जो मास्टर्स डिग्री है वो उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो। तो वो IDSA के, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि जो IDSA का रिलेटेड फील्ड है, यानी जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें अगर कर रखा है तो वो इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंटर्नशिप है वो मिनिमम 6 मंथ के लिए चलती है और इसके आगे वो एक्सटेंड हो सकती है 1 साल के लिए, वो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट एंड योर वर्कर परफॉर्मेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, क्या है। तो जो मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रेलेवेंट सब्जेक्ट में, रेलेवेंट डिसिप्लिन में, या फिर आप जो है मास्टर्स डिग्री की फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर जो सिलेक्शन होता है इसका वो मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं उस पर कैसे क्या है इस पर होता है। अब बात करें कितने टाइम की होती है, तो 6 महीने से कम तो नहीं हो सकती है इंटर्नशिप, यानी कि आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको पर्टिकुलर 6 मंथ आपको IDSA में देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप अगर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो वर्क एथिक्स है, आपकी जो वर्क करने की चीज़ें हैं वो अगर अच्छी हैं तो आप इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बट मिनिमम 6 मंथ आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा अब बात करती है प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जो इंटर्न्स होते हैं वो दे विल बी असाइंड अ प्रोजेक्ट बेसिकली टू राइट समरीज ऑन द इवेंट्स, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो वहाँ के ऑफिशियल वर्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उनमें कुछ असिस्टेंट या उनमें हेल्प करने का, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने का, या फिर जो उनके वेबसाइट का कंटेंट है उसको एडिट करने का, या फिर ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज़ होती हैं जो कैंडिडेट्स को दी जाती हैं। और एक कैंडिडेट जो लर्न करने के लिए बहुत ही कीन होता है, डिटरमाइंड होता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे उसके ऊपर स्ट्रेस डाली जाए, टाइम बाउंडेड हो, डेडलाइंस हो हमेशा कि आपको ये काम इस टाइम के अंदर ख़त्म करना है, और एक टीम वर्क की फीलिंग होनी चाहिए, टीम वर्क के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए पर्सन, वो यहाँ पे आके काम कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि IDSA में वर्क करने के लिए आपकी इंग्लिश, आपका स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश यानी कि राइटिंग इंग्लिश दोनों बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि जो भी मल्टीनेशनल होती है ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर एनवायरमेंट में आप काम कर सकें, ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि IDSA की एक बहुत ही फेमस यहाँ पे लाइन लिखी हुई इनकी कि वी आर स्पेशली सीकिंग यंग मैन एंड वमेन हु आर लुकिंग फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ये उनको चाहते हैं जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो सीखना चाहते हैं बेसिकली, ये उनको हायर करते हैं। अब इसके बाद आता है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या IDSA प्रोवाइड करता है। तो IDSA आपको एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, एंड अदर सपोर्ट फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट होगी इंटर्न्स की वो सब मिलेगी IDSA में जाके आपको। अब आता है कि
कि 6 महीने की इंटर्नशिप है तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या करना है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है इंटर्नशिप जो होगी वो बिल्कुल अनपेड होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट आफ्टर दैट जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक ऑनरेरियम मिलेगा, या फिर जैसा वो आगे बढ़ता रहेगा, अगर उन्हें आगे भी रखा जाता है तो वो और आगे बढ़ता रहेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपको आगे 2 महीने के बाद आगे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, वो आपके वर्क के ऊपर होगा। आपका वर्क कैसा है, आपका जो एथिक्स है वो कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप टीम में वर्क कैसे कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। अब बात आता है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करना होता है, तो बेसिकली आपको अपना एक CV बनाना पड़ेगा, करिकुलम वाइटे, जिसे रेज्यूमे भी कहते हैं, का थोड़ा सा डिफरेंस है। और आपको 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे आपके डिपार्टमेंट जहाँ से आपने अपनी पोजीशन की है, उनके प्रोफेसर से 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, रेफरिंग टू आइडिया से कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है हमारे डिपार्टमेंट का, ही वॉन्ट्स टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये ऐसे होना चाहिए। जो इसका तीसरा चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, यानी कि आप क्यों करना चाहते हैं और आप किस सेंटर में करना चाहते हैं। जैसे IDSA के मल्टीपल सेंटर्स हैं, अगर मैं इस मल्टीपल सेंटर्स की बात करूँ तो इसमें आता है अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन एंड UN, ये भी एक इसका सेंटर है, यूरोप एंड यूरेशिया ये सेंटर है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, डिफेंस इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया, ईस्ट एशिया, मिलिट्री अफेयर्स, न्यूक्लियर एंड आर्म्स कंट्रोल, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज, ये सारे जो हैं इसके सेंटर्स हैं जो आपको चूज करने पड़ेंगे आप किस सेंटर में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपके 2 राइटिंग सैंपल्स, यानी जो आपने रिसर्च लिखी हो, थेसिस लिखी हो, या फिर ऐसा कोई आपने डिजर्टेशन लिखा हो, वो या तो वो पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, मिनिमम 3,000 वर्ड्स, मैक्सिमम 5,000 वर्ड्स का आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको HRIDSA@NIC.in पे सेंड करनी होंगी मेल के थ्रू, और फिर उसके बाद दे विल रिप्लाई यू लेटर। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर IDSA में इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, वहीं पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं, दोज आर फॉरेन नेशनल्स, इफ़ दे आर गोइंग फॉर द IDSA इंटर्नशिप, सो दीज पीपल वुड रिक्वायर अ रिसर्च वीज़ा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम, एंड टू इनेबल दिस प्रोसेस IDSA विल प्रोवाइड अ लेटर ऑफ अफिलिएशन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट इन टच विद द इंडियन कॉन्सुलेट्स इन देयर होस्ट कंट्रीज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो आप इसको जाके कर सकते हैं अप्लाई, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कैंडिडेट्स, जहाँ पे एक स्टूडेंट्स बहुत कुछ लर्न कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, और कहीं ना कहीं अगर वो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो IDSA बहुत सारे लोगों को रिटेन कर लेता है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ वो प्रोवाइड करते हैं एक अच्छी सैलरी भी। और अगर आपने साथ साथ में नेट क्वालिफाई करके PhD करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर IDSA आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये है एक छोटा सा ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, छोटी अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा, और ये छोटी अपॉर्चुनिटी को आप बहुत बड़ी बना सकते हैं अपने लिए अगर आपने मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली हो, सोशल साइंस, डिफेंस स्टडीज़, मिलिट्री स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, तो आप IDSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा मिल गया होगा आपको। आप इसको अप्लाई ज़रूर करिए जब भी मौका मिले, दे वुड रिवर्ट यू बैक ऑन मेल। सो गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।